अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कौसर मॉम्स किचन। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं समोसा शीट एंड स्प्रिंग रोल शीट की रेसिपी। रमज़ान में हम सबको शीट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इस शीट को हम इजीली घर पर ही बना सकते हैं। वीडियो के अंदर जाने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। बेल आइकॉन क्लिक करने से हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हम शीट बनाने के लिए 400 ग्राम मैदा लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा। इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून ऑयल। हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक थोड़ा सख्त आटे को हम भून लेंगे। हम जिस तरह से रोटी के लिए एकदम सॉफ्ट आटा गूंथते हैं, उस तरह सॉफ्ट नहीं गूंथना है हमें आटे को, थोड़ा सख्त ही गूंथना है। हम आटे को इस तरह से मसल मसल के 2-3 मिनट तक गूंथ लेंगे। हमने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। हम थोड़ा सी ऑयल आटे के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। हम आटे को ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आटे को 2 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। अब हम आटे को इस तरह से मसल के सिलेंडर शेप दे देंगे। अब हम आटे के छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे। एक ही साइज के पेड़े कट करना है। हम इसी तरह से दूसरे वाले को भी कट कर लेंगे। अब हम इस तरह से गोल गोल पेड़े बना लेंगे। अब हम चकले पर आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। हम आटे के छोटे छोटे पूरी जितना रोटी को हम बेल लेंगे। हमें सूखे आटे को डस्ट कर करके बेलना है। हम इसी तरह से सभी रोटी बेल लेंगे। अब हम रोटी पे ऑयल लगा लेंगे इस तरह। इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट करेंगे। हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे, फिर वापस से ऑयल लगाएंगे। आप इसी मेथड को फॉलो करके आपको जितनी भी लेयर की रोटी बनानी है बना सकते हो। इस मेथड को फॉलो करने से लेयर जो है बहुत इजीली अलग होएगी। वापस से हम एक और एक रोटी लगाएंगे। पांच रोटी में हमने ऑयल और मैदा लगाया है। ये 6थी रोटी को हम ऐसे ही लगाएंगे, इसमें ऑयल मैदा नहीं लगाना है। हमने रोटी के 6 लेयर लिए है। चकले पे थोड़ा सी मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम रोटी को बेल लेंगे। अब हम एक पतली रोटी बेल लेंगे। अब हम इसी मेथड से दूसरी वाली रोटी को भी बेल लेंगे। हम दूसरे वाले रोटी को भी पहले वाली रोटी के ऐसा जैसा किया था वैसा रेडी कर लेंगे। पहली वाली रोटी की तरह हमें दूसरी वाली रोटी में भी ऑयल और मैदा लगाना है, और उसी मेथड से हमें रोटी को तैयार कर लेना है। हम इसमें भी लास्ट में एक सूखी रोटी को लगा देंगे। हम इसे भी बेल लेंगे। तवे को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तवा हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम रोटी को सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पर रखा है। रोटी में हल्के से बबल्स आने लगे हैं, इसी स्टेज पर हम रोटी को पलट देंगे। रोटी को दोनों साइड पलट पलट के सेक लेंगे। इसे ओवन नहीं कुक करना है। आप देख सकते हैं इसकी लेयर जो है अलग होने लगी है।
अब हम इसे निकाल लेंगे। दूसरी वाली रोटी को भी हम इसी तरह सेक लेंगे, इस रोटी को भी पलट देंगे। आप देख सकते हो इसकी लेयर जो है कितनी आसानी से निकल रही है। हम इसी तरह से सभी लेयर को अलग कर लेंगे। अब देखिएगा कितनी पतली से हमारी शीट बनी है। अब हम स्प्रिंग रोल शीट कट करेंगे, इसके किनारों को कट कर देंगे। यह हमारा स्प्रिंग रोल शीट रेडी हो गया है। अब हम समोसा शीट को कट कर लेंगे। अब हम पहले वाले की तरह इसका भी किनारों को कट कर लेंगे। अब हम इसके बीच में से कट कर लेंगे। हम इसको उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। हम इसके नीचे वाले हिस्से को कट कर लेंगे दोनों साइड। यह हमारा समोसा शीट भी रेडी हो गया है। हम इसी तरह से बचे हुए रोटियों को भी कट कर लेंगे। यह हमारा समोसा शीट है। ये समोसा शीट और स्प्रिंग रोल शीट हमने दोनों कट कर लिया है। हम इस समोसा स्प्रिंग रोल शीट से हमारे नेक्स्ट वीडियो में चिकन समोसा चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। इस कटिंग को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। इसको फ्राई करके चिली पाउडर स्प्रिंकल करके इसको खा सकते हो, या फिर इसका मीठा बनता है वो आप बना सकते हो। अगर आपको इसे मीठा बनाने की रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको मीठा बनाना सिखाएंगे इस समान आप घर पर ही समोसा और स्प्रिंग रोल शीट को रेडी करिएगा और इससे समोसा स्प्रिंग रोल बनाकर सर्व करिएगा। आप इस शीट को इस तरह के ज़िपलॉक बैग में डाल के आराम से 2 महीने तक फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।